गुड मॉर्निंग क्लास, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम आज टू क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनता है वो है, हाउ विल यू प्रिपेयर ए मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। जो मदर है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैसे रेडी करना है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ मदर देखेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है मदर को। देन हम एंटीनेटल प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम पोस्टनेटल प्रिपरेशन देखेंगे। तो हम प्रिपरेशन ऑफ मदर देखते हैं, मतलब मदर को क्या करना है, रेडी करना है हमें। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये जो न्यूट्रिशन की एक जो तैयारी है, इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एंटीनेटल प्रिपरेशन एंड पोस्टनेटल प्रिपरेशन। अब एंटीनेटल प्रिपरेशन क्या होता है? एंटीनेटल प्रिपरेशन मीन्स बेबी के बर्थ के टाइम जो प्रिपरेशन करनी है हमें, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो प्रिपरेशन होती है उसको हम, मतलब जन्म से पहले, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब हमें जो प्रिपरेशन करनी है मदर को, जिस तरीके से हमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करना है, और पोस्टनेटल प्रिपरेशन मतलब जन्म के बाद, मतलब आफ्टर डिलीवरी हमें मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको रीड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हम डील करते हैं एंटीनेटल प्रिपरेशन क्या है। इसमें क्या है, जो 6 मंथ से जो गर्भधारण, जो प्रेगनेंसी है, उसके बाद जो प्रेग्नेंट जो लेडी है, उसके होने वाले जो बच्चे हैं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए उसे मोटिवेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 6 मंथ तक क्या होता है, जब ड्यूरिंग 6 मंथ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मदर को क्या करते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं हॉस्पिटल में कि आपको किस तरह से, किस पोजिशन में बच्चे को रख के, बच्चे को कैसी पोजिशन देनी है और किस टाइप से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट जो है, उसके जो निप्पल्स हैं उसको हमें क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, निप्पल्स को देखना है कि उनका जो साइज शेप है वो किस टाइप का है, नॉर्मल है या नहीं, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है, कोई टेंडरनेस तो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कैंसर का कोई सिम्बॉल तो नहीं दिखाई दे रहा है हमें। तो ये चीज़ें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। थर्ड क्या है, एंटीनेटल प्रिपरेशन में अगर जो निप्पल्स हैं, अगर उसको हमने जो है डिप्रेस्ड निप्पल्स हैं, मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इसीलिए इस प्रकार के निप्पल्स को क्या करना है हमें, जो लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी का जो ट्राइमेस्टर होता है वो, उसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट 1 मंथ से 3 मंथ तक, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है वो 3 to 6 मंथ का होता है, एंड थर्ड जो होता है वो 6 to 9 मंथ का होता है। तो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब लास्ट के जो 3 मंथ हैं, उसमें क्या करेंगे हम, उसको जो मदर है उसको कहेंगे कि आप डेली दिन में एक बार क्या करें, इसको पुल आउट करें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब उसको बाहर की तरफ क्या करना है हमें, खींचने कहना है। ठीक है, पुल आउट करने कहना है, इससे क्या होगा कि अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एक वेल बैलेंस्ड डाइट देना है, एक आहार देना है अच्छा, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम मदर्स को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, सारी ये फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, आयरन देते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, माँ का और बच्चे का दोनों का जो वेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। मेनली जो फिटस होता है, जो बेबी है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से प्रॉपर हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उसको एक बैलेंस डाइट देंगे, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो गर्भवती महिला है उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। अगर उसके ब्रेस्ट छोटे हैं तो उन्हें समझाना है कि ब्रेस्ट फिटिंग से जो ब्रेस्ट है उसके आकार पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए अब इसमें क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल तरीके से क्या करना, सपोर्ट करना है, मतलब उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, समझाना है। और अगर उनके ब्रेस्ट अगर साइज अगर छोटा हो तो क्या करना है, उनका उन्हें बताना है कि ये आकार जो है, साइज जो है, ये डिपेंड नहीं करता है।
अब जो नेक्स्ट है, जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, इनको समझाना है कि जो शिशु है वो डिलीवरी के तीसरे या चौथे दिन से ही एडिक्वेट मात्रा में मिल्क निकलना शुरू हो जाता है। मतलब उनको बताना है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके बर्थ के 3 डेज़ या 4 डेज़ में ही क्या होता है, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, तो ये हमने की बात एंटीनेटल केयर की, एंटीनेटल प्रिपरेशन की, सॉरी, कि मदर को एंटीनेटल प्रिपरेशन में कैसे रेडी करना है एंटीनेटल टाइम में, पीरियड में। अब हम देखते हैं पोस्टनेटल प्रिपरेशन। अब जब बच्चे का जन्म हो चुका है, बर्थ हो चुका है बेबी का, तब हमें मदर को कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो बच्चा है उसके जन्म के बाद मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करने के कुछ टेक्निक्स बतानी है। ठीक है, अब बेबी का बर्थ हो चुका है, अब हमें क्या करना है, मदर को मोटिवेट करना है, उनको जो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स हैं उनको समझाना है। अब सेकंड जो है, मदर को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना है ताकि वो उसे अपने शिशु को मिल्क पिला सके और उसके जो कि उसके और जो बच्चा है उसके दोनों के हित में हो। मतलब अब क्या करना है, पहले तो माँ को हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसे मोटिवेट करना है, समझाना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए, ये इसे हमें क्या करना है, उसे ऐसे मोटिवेट करना है और उन्हें बताना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ मदर्स को लगता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी वो अपने बच्चे को तो क्या होगा, उनका जो फिगर है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हें ये चीज़ें हमें समझानी है, एक नर्स को समझानी है बच्चे की माँ को कि ये आपके लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। सेकेंड, ब्रेस्ट फीडिंग देने से पहले मदर को एक गिलास दूध, रस या पानी पी लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के पहले क्या करना है, मदर को या तो मिल्क ले लेना है या तो कुछ जूस ले सकते हैं या वाटर ले सकते हैं, जिससे कि क्या हो, वो बच्चे के लिए भी इफ़ेक्टिव हो। अब मदर को जो ब्रेस्ट है पोषण से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। मतलब माँ को क्या करना है, बच्चे को फीडिंग करवाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है। नेक्स्ट है, फिजिकली और इमोशनली रिलैक्स होकर आराम से बेबी को फीड देना है। अब क्या करना है, जब बच्चे को मदर फीड करवा रही है तो उन्हें मदर को पहले फिजिकली तरीके से, इमोशनली तरीके से क्या करना है, रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स होकर फिर बेबी को फीड करवाना है। नेक्स्ट क्या है, मिल्क पिलाने से पहले जो ब्रेस्ट है उनको नॉर्मली क्या करना है, वाटर से वॉश करना है ना, क्लीन करना है, जिससे क्या होगा, जो स्किन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है उसको हम कुछ टाइम तक के रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है, जो मदर है उसको अपनी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी सुविधानुसार बैठना है या फिर लेट कर भी वो फीडिंग करवा सकती है। लेकिन जो बैठकर जो फीडिंग होती है वो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। इसमें क्या है, जो ब्रेस्ट है उसका जो वेट है वो क्या है, बेबी के सीधे माउथ पर और नोज़ पर नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें हमें क्या करना है, कैरी आउट करना है अपने माइंड में कि अगर बैठ कर अगर फीडिंग करवा रही है मदर तो जो बेबी का जो माउथ है, नोज़ है, उस पर उसका वेट नहीं पड़ना चाहिए ब्रेस्ट का। नेक्स्ट क्या है, पहले कुछ दिनों में, मतलब फर्स्ट फ्यू डेज़ में जो बेबी है उसको थोड़ा सा क्या करना है, मिल्क को सक करने देना है। इसके बाद वो क्या करता है, सो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको जगाने के लिए गाल पर हमें मारना नहीं है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि जगाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें धीरे से गाल पर मारते हैं, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से जो बेबी है वो डर जाता है और उससे क्या होगा, जो उसके जो लंग्स हैं उसमें मिल्क क्या होगा, एस्पिरेट हो जाएगा और बच्चे के जो ईयर है वहाँ से क्या है, पीछे छूकर या फिर हम पैरों को जो पैरों के जो तलवे होते हैं, सोल जिसे हम कहते हैं, उसको छूकर हम जगा सकते हैं। अब हर बार जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है हर बार। ठीक है, बच्चे को 6 मंथ तक के तो ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाई जाती है, उसके बाद बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो मदर को क्या चाहिए कि वो 6 मंथ तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएं।
नेक्स्ट, जब बच्चा पेट भर मिल्क पी लेता है तब माँ को क्या चाहिए कि वह अपनी जो फिंगर्स है उससे निप्पल्स को क्या करे, प्रेस करे और जो बच्चा है बेबी है उसके जो माउथ है उसके और निप्पल को हटा दे। अब इसमें जो प्रोसेस होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग की, वो क्या होती हैं, रुक जाती हैं। फीडिंग के वक्त जो बच्चा है बच्चे को एयर को भी शक करता है, बच्चा क्या करता है फीडिंग के टाइम पे एयर भी शक करता है, ठीक है, जिससे जो बच्चा है वो बहुत ही बेचैनी महसूस करेगा, है ना, उसे क्या होगा, नोज़िया हो सकता है। अब इन जो एयर बबल्स होते हैं इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना है, जो बेबी है उसको गोद में सीधे बिठाना है, आराम से उसके पेट पर हाथ फेरना है। अब जो बेबी है बेबी को क्या करना है, हमें कंधे से लगाना है, जैसे हम लेते हैं गोद में सीधे बच्चे को खड़े करके, और उसको पीठ को क्या करना है, सहलाना है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि वो बर्पिंग होगी, ये बर्पिंग होगी जिसमें क्या होगा, वो उसका जो जो क्या होगा डाइजेशन जो एयर का है वो हो जाएगा और वो जो है बाहर निकल जाएगी माउथ के थ्रू एयर। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनमें जो एयर बबल्स होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं और कुछ बच्चों में देर से निकलते हैं। अब ऐसे बच्चों को क्या करना है, पीठ के बल थोड़ी देर के लिए क्या करना है, लेटाना है, फिर क्या करना है उनके कंधे उठाना है और बच्चे को फीडिंग के बाद क्या करना है, बफरिंग करनी है या फिर उल्टी करा देना है। तो ये हमने देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ क्या प्रिपरेशन कैसी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग की माँ को कैसे प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग एंटीनेटल प्रिपरेशन और पोस्टनेटल प्रिपरेशन, जन्म के पहले और जन्म के बाद। तो हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर देखा, इसमें आपस में डिस्कस किया हमने। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ चिल्ड्रन डिजीज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट डिजीजेस। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो बच्चों में जो डिजीजेस होती हैं वो एडल्ट्स के डिजीजेस से डिफरेंट क्यों होती है, ठीक है, किस प्रकार से ये जो एडल्ट्स हैं उनकी डिजीज़ और बच्चों में होने वाली डिजीजेस अलग अलग होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे, इलनेस इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों में जो रोग होते हैं उसमें हम देखेंगे जो बच्चा होता है, बच्चों की जो डिजीजेस है वो बड़े लोगों में होने वाली जो डिजीजेस है उनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी पावर और जो ताकत होती है वो कम होती है। मतलब जो बच्चा है अचानक ताप परिवर्तन, अचानक शरीर में पानी और विद्युत जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें परिवर्तन, संक्रमण जो इन्फेक्शन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बच्चे जो है बड़ों से डिफरेंस का कारण उनकी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भिन्नताएँ होती हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि जो बच्चा होता है वो बड़ों से उसके जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। बड़ों में जो यंग एडल्ट हैं उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है और बच्चों में इम्यूनिटी पावर उनके कंपैरिजन में कम होती है। तो जिससे क्या है, जो बच्चा है उसका जो टेम्परेचर होगा, जो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट होगा और क्या होगा, ये सब चीज़ें कम होगी। अब जिसके कारण क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो बच्चे को जल्दी कॉज हो जाएगा। इस टाइप से क्या है, जो एडल्ट्स हैं और जो बच्चे हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके कुछ डिफरेंशियस भी होते हैं, कैसे, एनाटॉमिकल, एनाटॉमी शारीरिक रूप से, फिजियोलॉजिकल है ना उनके फंक्शंस के रूप से, साइकोलॉजिकल उनकी मेंटेलिटी, सारी चीज़ें क्या होती अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो इस टाइप से क्या है, जो एडल्ट हैं और जो बच्चे हैं वो अलग होंगे। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल डिफरेंस क्या होता है, मतलब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कैसे डिफरेंसेस होंगे। तो शारीरिक आकार साइज में अंतर का रोगित होने की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है, इसके लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, साथ ही शिशु और बच्चे की देखभाल करने का भी तरीका भिन्न होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो शारीरिक आकार मतलब जो साइज है बच्चे का और एडल्ट का, जो साइज़ है बॉडी का वो भी डिफरेंट होगा। तो अब उससे अगर देखा जाए तो ये जो डिफरेंशियस है डिजीजेज में ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, ट्रीटमेंट है, उसकी ज़रूरत होती है, और जो बच्चे हैं उनको
भी केयर करने का एक तरीका जो होता है वो अलग होता है। एडल्ट की जब हम केयर करते हैं तो उसका जो तरीका होता है वो अलग होता है, बच्चे की जो केयर करते हैं उसका तरीका अलग होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उनकी जो स्किन्स होती है वो भी बहुत डेलिकेट होती है ना, बहुत नाजुक होती है, तो क्या है उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं, जो बच्चा है, बच्चे की जो यूस्टेंचियन ट्यूब जो होती है वो छोटी और सीधी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोर थ्रोट है वो बहुत ही जल्दी मिडिल ईयर तक के पहुंच जाएगा। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे, अब बच्चे को ज़्यादा इसलिए कहते हैं बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब इस टाइप से जो बच्चा है उनमें जो कार्डियक स्पिंक्सर होते हैं वो बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं। अब इसमें क्या होगा, इनमें इसका कारण इसमें आसानी से क्या है, उल्टी होने जैसे दूध पलटने की शिकायत जैसे होता है ना, कभी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो क्या होता है, बच्चा उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है, जो मिल्क है उसको क्या करता है, माउथ से बाहर निकाल देता है। तो ये किस लिए होता है कि जो कार्डियक स्पिंक्सर्स होते हैं इसके बहुत ही रिलैक्स होते हैं। अब ये तो एनाटॉमिकल जो डिफरेंस है एडल्ट में और बच्चे में वो देखा हमने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस देखेंगे। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस में क्या है, जो बच्चा है वो एडल्ट से जो ब्लीडिंग के जो आउटपुट है, जो ब्लड वॉल्यूम है उसका, वो डिफरेंट होता है। जो एडल्ट है और जो बच्चा है उनका जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब जो ब्लड वॉल्यूम की कमी से थोड़ा सा जो फ्लूड लॉस होने से बच्चों में क्या होगा, जल्दी से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, बच्चों में क्या होगा, फ्लूड लॉस अगर हुआ तो क्या होगा, बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, उन्हें क्या होगा, फीवर होने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम है और बच्चा जो है थोड़ा नाजुक होता है। और अगर नॉर्मली अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में अगर फ्लूड लॉस हो भी जाता है थोड़ा बहुत, तो इतना जल्दी उनमें इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब जब बच्चे में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, हाई फीवर हो जाएगा और कन्वल्जन भी आ सकते हैं उन्हें। बच्चों में अधिकतर क्या देखने मिलता है, झटके आते हैं जिसको कन्वल्जन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिफरेंस देखेंगे। साइकोलॉजिकल डिफरेंस में जो बच्चा है वो जो एडल्ट है उसके कंपैरिजन में उनकी जो मानसिकता होती है वो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। मतलब जो साइकोलॉजिकल मतलब हम बात कर रहे हैं कि माइंड की, है ना, मेंटली तरीके से, इमोशनली तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एडल्ट है और जो बच्चा है उनकी जो मेंटलिटी होती है वो अलग होती है। बच्चों की जो मेंटलिटी होती है वो बच्चों की टाइप की होती है और जो एडल्ट सोचते हैं वो थोड़ा क्या होता है, वो अपने उनकी मेंटेलिटी अलग होती है। तो जो माइंड का जो वेट है वो क्या करता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करता है, जिससे रोग के ना होने पर क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। अब साइकोलॉजिकल तरीके से भी जो बच्चा है और जो एडल्ट है वो भी, उनमें भी डिफरेंस पाया जाएगा। अब इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे को बराबर देखते रहना चाहिए। हमें क्या करना है, अगर बच्चा किसी भी तरीके से इमोशनली डिस्टर्ब है या फिर स्ट्रेस में है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमें क्या करना, बच्चे को ऑब्जर्व करना है। जो बच्चा है वो अपनी फीलिंग्स कभी किसी को बता सकता है और कभी नहीं भी बता सकता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उनके माइंड पर डिपेंड करता है। वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकता है शेयर कर दे किसी के साथ या फिर ना भी करे। तो इस तरह के जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं साइकोसोमैटिक डिसीज़ उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल डिसीजेस होती है, या तो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, है ना, या तो और भी जो साइकोलॉजिकल डिसीजेज है, किसी भी डिसीज से बच्चा सफ़र कर सकता है। जो बड़े बच्चे हैं वो अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। अब जो बड़े बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देंगे, या तो अपने फ्रेंड के साथ, या तो अपनी फैमिली के साथ, मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा छोटा होता है वो बोल नहीं पाता है,
ठीक है, अब वो बोल नहीं पाता है, छोटे बच्चों की हमें फिर क्या करना है, ज़्यादा केयर करना है। ये एक नर्स का भी काम होता है कि वो हॉस्पिटल में अगर बच्चा एडमिट है तो बच्चा, जब छोटा बच्चा एडमिट है तो क्या करना है, उसकी प्रॉपर हमें केयर करना है, प्रॉपर देखभाल करना है कि ये किसी तरीके से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो नहीं है, इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा। तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, गेस्चर पोस्चर है, फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको देखकर नर्स को ऑब्जर्व करना है। अब इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, बिना पेरेंट्स के, बिना सहारे के जो बच्चा है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब उसे छोटी छोटी बातों के लिए एंजाइटी बनी रहती है। देखिए, जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ज़्यादा टाइम पेरेंट्स को नहीं रखते हैं, क्योंकि नर्स क्या करती है, पूरी केयर बच्चे को प्रोवाइड करती है। तो एक टाइमिंग होता है बच्चे से मिलने का, तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम तक पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं। अब जिससे बच्चा क्या करेगा, अपने आप को सेपरेट महसूस करता है, उसको क्या होता है, फियर होता है, एंजाइटी होगी, उसे लगता है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल से, पेरेंट्स से, फैमिली से, सभी से दूर एक अलग इन्वायरमेंट में आ गया हूँ। तो कुछ वो जो चेंजेस हैं वो उनको जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता है, और उस कारण उसे क्या होती है, एंजाइटी और फियर होता है। अब कुछ बच्चे में क्या है, जो पुराने जो बैड फीलिंग्स होती हैं, कड़वे अनुभव जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से भी वह डरा रहता है। जैसे बच्चा छोटा है तो कहीं से अगर वो फॉल हो गया है या उसे कुछ इंजुरी हो गई, बर्न हो गया है, तो बच्चा क्या है, उस चीज़ से क्या करेगा, फियर फील करेगा, है ना, क्या है, बच्चा डरा हुआ रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हॉस्पिटल में जो एडमिट बच्चे हैं उसके प्रति जो नर्स है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, एकदम पेशेंसली होना चाहिए और पोलाइटली होना चाहिए। और उस क्या करना है, उनको उसकी बच्चे की ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, उसको बच्चे को केयर प्रोवाइड करना है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है कि बच्चा जिस चीज़ से डर रहा है, जो उसे फियर, जो एंजाइटी हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश करना है, और उसे ज़्यादा लव एंड अफेक्शन देना है, मतलब उसको क्या करना है, प्यार देना है बच्चे को, उसको नॉर्मल ट्रीट करना है, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना है, और उसे जो मेंटली जो सपोर्ट की ज़रूरत है, मनोवैज्ञानिक सहारे की, सेफ्टी की, सुरक्षा अनुभव की जो भी ज़रूरत है, उसे क्या करना है, एक नर्स को फुलफिल करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करते हैं, नया टॉपिक हम डील करेंगे, न्यू क्वेश्चंस। तो आपको ये सब जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू क्लास।